क्या आपको अभी भी एक फोर्ड की कार को डिलीवरी लेना चाहिए जबकि हाल ही में फोर्ड इंडिया छोड़ के जाने वाला है, या फिर आपको अभी भी एक फोर्ड की कार को कंसीडर करना चाहिए या नहीं? तो आप सभी को पता होगा कि फोर्ड जो है अपना इंडियन ऑपरेशंस बंद करने वाला है, दैट मीन्स इनका जो इंडिया में 2 प्लांट्स है वो शट डाउन होने वाला है और इनके इको स्पोर्ट फ्री स्टाइल एस्पायर और फीको जैसे कार्स वो इंडिया में अब नहीं मैन्युफैक्चर करेगा ना ही इंडिया में सेल आउट करेगा। तो इन दिस सिचुएशन डीलरशिप के पास बहुत सारे फोर्ड की कार्स ऑलरेडी अवेलेबल है, और क्या आपको इन दिस सिचुएशन इन कार्स की डिलीवरी लेना चाहिए या फिर आपने कुछ दिन पहले ही फोर्ड की कार्स को बुक किया है और हाल ही में आपके इन कार्स की डिलीवरी होने वाला है, तो इन दिस सिचुएशन क्या आपको फोर्ड के कार में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से इनके बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो पे अंत तक। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑलरेडी इट्स कंफर्म्ड कि फोर्ड जो है अपना इंडियन ऑपरेशंस बंद करने वाला है और इंडिया छोड़ के जाने वाला है। सिर्फ इनका मस्टैंग और एंडेवर ये इंपोर्ट करके इंडिया में सेल आउट होगा, और फोर्ड का ये भी कहना है कि इनका जो सर्विसिंग है वो कंटिन्यू रहने वाला है, बट इसका अभी तक कोई भी गारंटी नहीं है कि ये कितने साल तक इंडिया में कंटिन्यू रहेगा। बट ऑलमोस्ट फोर्ड के बहुत सारे कार्स इंडिया में बिक चुका है, दैट मींस इनका जो सर्विस सेंटर है वो वर्किंग कंडीशन में रहने वाला है, क्योंकि इनके सर्विसिंग से भी फोर्ड को एक इनकम देखने को मिलेगा। और मैं इस न्यूज को डिटेल में कवर कर चुका हूं, अगर आप लोग चैनल में नए हैं द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। तो अब पढ़ते हैं वीडियो में। तो अगर आपने कुछ दिन पहले ही एक फोर्ड की कार को बुक कर चुके हैं तो आपको हाल ही में इनका डिलीवरी भी देखने को मिल सकता है, या फिर आपको डीलरशिप से भी कुछ ऑफर्स देखने को मिलेगा जिसमें आप लोगों को कार्स के कुछ प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो इन दिस सिचुएशन आपको इन फोर्ड कार्स को कंसीडर करना चाहिए या नहीं? तो अगर आपने ऑलरेडी एक फोर्ड कार में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो यू विल बी गेटिंग दिस सर्विसिंग, बट आपका सर्विसिंग कितना लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा वो हमें अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं देखने को मिला है। बट यस, अगर आप अभी एक फोर्ड के कार पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप अभी एक फोर्ड के कार को अवॉइड करने से ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक कंपनी जब इंडिया छोड़ के जाने वाला है इसका अभी तक कोई फ्यूचर नहीं है कि ये अपना सर्विसिंग या फिर अपने जो स्पेयर पार्ट्स कितने दिन तक इंडिया में अवेलेबल रहने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें सर्विसिंग या फिर स्पेयर पार्ट्स भी देखने को मिलेगा, बट इट्स बेटर कि अब ही आप एक नया वाला फोर्ड के कार को आपको ना कंसीडर करना ही अच्छा होगा, जबकि आपको कोई ऑफर्स या फिर डीलरशिप से अगर कोई फोर्स किया तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इस ऑफर्स को इग्नोर कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो बुकिंग है उसको भी कैंसिल कर सकते हैं और आपका जो बुकिंग रिफंड है वो भी आपको मिलेगा। एंड फोर्ड कार्स का जो रीसेल वैल्यू है इतना बेहतर नहीं है कम्पेयर टू दी अदर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। मोड ओवर फोर्ड इंडिया छोड़ के जाएगा तो इन कार्स का जो रीसेल वैल्यू होगा वो और भी गिनने को देखने को मिलेगा। इट्स नॉट लाइक कि जो फोर्ड के कार्स है वो बेहतर नहीं है, फोर्ड बहुत ही बेहतरीन कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किया हुआ है और फोर्ड के जितने भी कार्स है बहुत ही बेहतरीन है, बट अगर फोर्ड इंडिया से चला जाएगा तो आपको सर्विसिंग या फिर आफ्टर सेल सर्विस देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना फोर्ड कार्स में इन्वेस्ट ना करें। मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स मिला हुआ है या मैसेजेस भी मिला हुआ है कि हाल ही में वो लोग ने इकोस्पोर्ट या फिर दूसरे फोर्ड के कार्स को बुक कर चुके हैं तो क्या उनको इस कार्स को कंसिडर करना चाहिए या नहीं? तो मेरा जो आंसर है कि नो, आपको इन कार्स को नहीं कंसीडर करना चाहिए। आप डायरेक्टली डीलरशिप से बात कर सकते हैं और अपना जो बुकिंग है उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अवॉइड कीजिए फोर्ड के कार्स को। एंड मैं हाल ही में आप लोगों के फोर्ड कार्स के अल्टरनेटिव कार्स के रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, एंड इफ यू वांट टू चेक आउट एनी इकोस्पोर्ट रिलेटेड कंटेंट या फिर कुछ ऑटोमोबाइल न्यूज़, देन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू द चैनल, स्टे सेफ एंड आई विश टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।